वाओ केपीजी जी, देख लीजिए आज एक घटिया सा बोर्ड लेकर, एक घटिया से अंदाज में, घटिया सी लाइट में, घटिया से तरीके से बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं, है ना? कुछ तो बढ़िया है। चलिए तो अगला शब्द लेता हूँ मैं जल्दी से, और अगला शब्द जो है वो साहब जी एक शब्द है हिंदी में प्रयास। प्रयास हिंदी का शब्द जो प्रयास है, आप बोलते होंगे, ज़रूर बोलते होंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो प्रयास की अपेक्षा आप इसका दूसरा वाला पर्यायवाची शब्द बोलते होंगे। और वो क्या शब्द है पर्यायवाची, ज़रा आप जल्दी बताइए लिखकर यार। प्रयास का पर्यायवाची क्या है? कोशिश। कोशिश, कोशिश, कोई कुछ लोग इसको कोशिश कहते हैं, कोशिश, तो कोशिश मत कहिए क्योंकि ये श अक्षर है। अब कोई ये मत कहना कि श और स उर्दू के हैं ना, श स और श हिंदी के हैं भाई, हिंदी में भी तो हैं, तो कम से कम हिंदी का ही अक्षर हम सही बोल लें अगर हम उर्दू नहीं बोलना चाह उर्दू का अक्षर नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो कोशिश ये हो गया शब्द। अब इसको लिखने के लिए कौन से अक्षर चाहिए उर्दू में? अच्छा, फारसी का है ये कोशिश, हिंदी में तो प्रयास है, लेकिन ये ज़्यादा चलता है, प्रयास कम चलता है। लेखन में आता है, बोलने में भी प्रयास आता है, लेकिन एवरेज देखें तो कोशिश ज़्यादा बोलता है, बोले बोला जाता है, और कोशिश कह देते हैं लोग इसको। तो कोशिश लिखने के लिए काफ, वाओ, शीन। अच्छा, मैं शीन ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए, ये दोनों एक ही हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया कि मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, कई लोग लिखते हैं ऐसे, लेकिन सही रूप इसका ये है। दोनों जगह ये वाला इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए, कोशिश, ठीक है? दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब को लिखने के लिए काव और काफ और वाव मिला दीजिए, को हो गया ये, को सफिशियंट, कोशिश। तो शिश जो लिखते हैं ना, तो ये और ये वाला रूप लेते हैं, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, इतना पार्ट मिला दीजिए, कोशिश, ये शिश अब हो गया, वरना वो शश था, कोशिश, कोशिश, कोशिश। ना लिखें तब भी चलेगा, अगर ये ना लगाऊं तब भी सब पढ़ लेंगे पढ़ने वाले कि कोशिश लिखा हुआ है, क्योंकि कोशिश कुछ नहीं होता है, कोशिश कुछ नहीं होता है, कोशिश ही होता है, लेकिन समझ आपको समझाने के लिए कोशिश।